दोनों में से कोई भी चलेगा, दोनों में से कोई एक रास्ता सुरक्षित है, दोनों में से कोई एक मोबाइल मेरा है, दोनों में से एक खराब है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, दोनों में से कोई या दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं ईदर का, इसको आइदर भी पढ़ा जाता है। इसको आप प्रोनाउन की तरह से या नहीं तो एडजेक्टिव की तरह से, दोनों ही तरीके से बना सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो इसके स्ट्रक्चर को पहले देख लें, हम लोग बनाते हैं एडजेक्टिव के तरीके से। सबसे पहले राइट करेंगे आइदर, आइदर को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे कोई वर्ड्स जो भी नाउन रहेगा, उसके बाद याद रखिएगा हमेशा इज लगाएंगे, ठीक है, सिंगुलर होता है ये, ईदर या आइदर हमेशा सिंगुलर माना जाता है और इसको ग्रामर के अनुसार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आता है। उसके बाद अदर वर्ड्स राइट कर देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल इज आएगा, कोई भी टेंस में आप सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, दोनों में से कोई भी चलेगा, इसके लिए बोलेंगे ईदर विल डू, ईदर विल डू। ईदर का मतलब ये होता है दो में से कोई एक, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई इंसान हो या कोई प्लेस हो, तो दो में से कोई एक या दोनों में से कोई। नेक्स्ट सेंटेंस, दोनों में से एक रास्ता सुरक्षित है या दोनों में से कोई रास्ता सुरक्षित है, ठीक है। तो इसके लिए बोलेंगे ईदर वे इज सेफ, ईदर वे इज सेफ। रास्ता के लिए पाथ का भी यूज कर सकते हैं, सड़क है तो रोड भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दोनों में से एक मोबाइल मेरा है, इसके लिए बोलेंगे ईदर मोबाइल इज माइन, दो में से कोई एक मोबाइल मेरा है, यानी तो ईदर ऑफ दिस टू मोबाइल इज माइन, ऐसे भी बना सकते हैं वन ऑफ दिस टू मोबाइल्स इज माइन, ऐसे भी बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, दोनों में से एक खराब है, इसके लिए बोलेंगे ईदर वन इज आउट ऑफ ऑर्डर, ईदर वन इज आउट ऑफ ऑर्डर। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं परीक्षा पास करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, परीक्षा पास करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगी मैं अपनी, उससे शादी करने के लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगा या कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इंडिया मैं जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जी जान लगा देगा अपनी, तुम्हें हराने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा या तुम्हें हराने के लिए मैं अपना जी जान लगा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जहाँ पर हम लोग कहते हैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना, जी जान लगा देना, पूरी तरह से प्रयास करना। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम लोग जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो है डू वंस लेवल बेस्ट, डू वंस लेवल बेस्ट। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, नॉट ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बट ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों ही टेंसेस में हम लोग सेंटेंसेस को देखेंगे, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहले बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को, इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऐड करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लगाने के बाद लगाएंगे विल। मॉडर्न इंग्लिश में आप सबके साथ विल लगा सकते हैं, आप चाहे तो आई और वी के साथ सेल भी लगा सकते हैं। उसके बाद सेल या विल में से कोई एक लगेगा, सेल लगेगा आई वी के साथ, बाकी सबके साथ विल, नहीं तो सबके साथ विल लगाइए, क्या बात है, हम लोग एक स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। उसके बाद लगाएंगे डू वंस लेवल बेस्ट, यहाँ पर जो वंस है, वंस की जगह क्या आएगा, अगर सब्जेक्ट आपका आई रहेगा तो माय होगा, यदि आपका सब्जेक्ट यू हो तो योर होगा, ही रहेगा तो हीज होगा, सी रहेगा तो हर होगा, इट रहेगा तो इट्स होगा, दे रहेगा तो दियर होगा। तो डू वंस लेवल बेस्ट को ऐड करने के बाद लगाएंगे इन्फिनिटिव फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को और भी बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, परीक्षा पास करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा या परीक्षा पास करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा या परीक्षा पास करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू पास द एग्जाम, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू पास द एग्जाम।
नेक्स्ट सेंटेंस, तुमसे शादी करने के लिए मेरा दोस्त जी जान लगा देगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे माई फ्रेंड विल डू हिज लेवल बेस्ट टू मैरी यू, माई फ्रेंड विल डू हिज लेवल बेस्ट टू मैरी यू। नेक्स्ट सेंटेंस, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सेंटेंस को ऐसे बोला जा सकता है, क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जी जान लगा देगा। यहाँ पर कसर नहीं छोड़ेगा, यहाँ पर नोट आ रहा है, लेकिन नोट उसी में सेंस में उस फ्रेज में आ गया, तो नोट नहीं लगाइएगा, याद रखिएगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे द पुलिस विल डू देयर लेवल बेस्ट टू अरेस्ट क्रिमिनल्स, द पुलिस विल डू देयर लेवल बेस्ट टू अरेस्ट क्रिमिनल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, भारत मैच जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा या भारत मैच जीतने के लिए जी जान से कोशिश करेगा, जी जान लगा देगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इंडिया विल डू इट्स लेवल बेस्ट टू विन द मैच, इंडिया विल डू इट्स लेवल बेस्ट टू विन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें हराने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू डिफीट यू, आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू बीट यू। बीट यू या डिफीट यू, बीट और डिफीट दोनों का यूज किया जाता है हराने के सेंस में। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लगा देंगे डिड, डिड के बाद वंस, वंस के जगह माय, हिज, हर, आवर, दियर, ये सब वर्ड आएंगे। उसके बाद लेवल बेस्ट, फिर टू प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो इसका पहला एग्जांपल है परीक्षा पास करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही डिड हिज लेवल बेस्ट टू पास द एग्जाम, ही डिड हिज लेवल बेस्ट टू पास द एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे हराने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा या मुझे हराने के लिए तुमने अपना जी जान से कोशिश किया, जी जान लगा दिया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू डिड योर लेवल बेस्ट टू डिफीट मी, यू डिड योर लेवल बेस्ट टू डिफीट मी या यू डिड योर लेवल बेस्ट टू बीट मी। अब बात करते हैं एक दो सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप कई सारे एग्जाम्पल लीजिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें क्या करेंगे, डिड के जगह डू या डज आएगा। अगर सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो डज आएगा, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो तो डू आएगा। इसके भी कुछ एग्जांपल देखिए, बाकी सारा चीज़ सेम टू सेम। तो आज का पहला सेंटेंस है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मैं जी जान से कोशिश करता हूँ या मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डू माई लेवल बेस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, आई डू माई लेवल बेस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। और एक सेंटेंस ले लेते हैं, जब भी इंडिया पाकिस्तान के विरुद्ध मैच खेलता है तो वो हराने के लिए उसे जी जान से कोशिश करता है या जी जान लगा देता है, कोई कसर नहीं छोड़ता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे सॉरी, जो भी व्यूअर पाकिस्तान से देख रहे हो तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है, जस्ट एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हेन इंडिया प्लेज द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया डज इट्स लेवल बेस्ट टू बेस्ट पाकिस्तान, व्हेन इंडिया प्लेज द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया डज इट्स लेवल बेस्ट टू बीट पाकिस्तान या डिफीट पाकिस्तान। इंडिया के जगह आप इट लगा सकते हैं, पाकिस्तान के जगह इट लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके बारे में चर्चा हो चुका है पहले वाले क्लोज में। दोस्तों मैं आपको तीन सेंटेंसेस देता हूँ अलग अलग टेंसेस के, इसको पहचानिए और इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को बीट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी इसको सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।